भी टाइम कम हो और खाने की इच्छा हो तो पोहा रेसिपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो पोहा रेसिपी है, टाइम भी कम लगता है और खाने में भी स्वादिष्ट होती है। ये कच्चे पोहे मार्केट से सबसे पहले लेके आया हूँ मैं, देखिए आप। और इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लिया मैंने, इसको छोड़ देता हूँ एक बार यहाँ पे। और जो जो मैं सामग्री यूज में लूँगा, जो सहायक सामग्री होगी वो तो देखते जाइए। लगभग 3 प्याज यहाँ पे काटे मैंने, इससे छोटे भी आप काट सकते हो, इतने काफ़ी हैं। 2 बड़ी मिर्च काटी है मैंने, लगभग 3 टमाटर काटे हैं। तो एक सहायक सामग्री होगी हम काम में लेने वाले हैं। एक नींबू काम में लेंगे यहाँ पे, नींबू काट लिया मैंने, नींबू से इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। अब शुरू करते हैं पोहे रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले जो कच्चे पोहे थे इसको मैंने पानी के अंदर एक बार निकाल लिया है, या फिर बोल सकते हैं धो लिया है। तो जैसे हम पानी से हम निकालेंगे तो पानी को अलग कर देंगे, जो पोहे थे वो गीले होके साइड में हो जाएंगे, तो उनको हमको साफ करना ज़रूरी है। तो ये पहला इसका स्टेप होगा। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कढ़ाई लेंगे और इसमें सरसों का तेल डालता हूँ मैं, 2 चम्मच काफ़ी हैं, लगभग 50 ग्राम पोहों के लिए। तो सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे, इसको पकाएंगे। प्याज डालेंगे, इसके साथ में हरी मिर्च, टमाटर डालेंगे साथ में, इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज की फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे एक बार, नहीं तो जल जाएंगे। तो इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, मिक्स करेंगे। अब नमक डाल देंगे इसमें, मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच काफी है इसमें। थोड़ा सा पानी, जो कच्चे पोहे थे जो हमने मैंने पानी के अंदर साफ किए थे वो इसमें डाल देंगे सावधानी से। तो अब इसमें जो नींबू था वो निचोड़ देंगे बढ़िया तरीके से, इससे इसका स्वाद काफी बढ़ जाएगा।
काटेंगे। थोड़ी देर में के बाद हमारे पोहे बिल्कुल बनकर तैयार है, खाने लायक है। तो जब भी टाइम कम हो, वक्त की कमी हो, तो इस प्रकार की पोहे रेसिपी जरूर बनाएं। कम समय में अच्छी रेसिपी तैयार होती है। तो कैसी लगी रेसिपी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना चैनल को न भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।